करते हैं वाराणसी का। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें मिल रही हैं, दो दिन का दौरा शुरू हो चुका है और इसी के मद्देनजर ये तस्वीरें संबोधन सुनते हैं। और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं अभी विगत दो वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहाँ की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर के आप सब के प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सब ये सच है और उससे भी बढ़कर के भारत के अनुयायी हैं। हम सबका एक ही संकल्प है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोक कल्याण के इस बृहद अभियान के साथ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब तो महाभारत के उस अर्जुन की तरह एक निमित्त मात्र है। पूरा मार्गदर्शन, पूरा नेतृत्व, पूरे देश को कि पूरा देश आज एक नई ऊर्जा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नवीन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब कोई राष्ट्र सशक्त होता है तो धर्म भी सशक्त होता है। हर पंथ, हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ, संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने भारत के रूप में, एक भारत, समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत के लिए आज स्वयं भी जुड़ना होगा। मत, पंथ, संप्रदाय या मजहब, यह हम सब की अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा।